एक्चुअली में स्टार्टिंग हम लोग देखते हैं एंटोना को नाम के एक आदमी को जो वायरमैन की खबर देख के अपने से तोड़ देता है, क्योंकि द हाउस स्टॉक यानी सर के द हाउस स्टॉक ने उनकी पार्टनरशिप के दौरान टूबन को ने देखा कनेक्शन के हवा स्टॉक ने कितने फिर देख के उसका बेटे को बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो आयरन मैन से बदला लेने के लिए उसके खिलाफ कि उसके खिलाफ उसे बदला लेना चाहता था अपने पिता के मौत का। इसके लिए वो अपने पिता के फॉर्मूले की मदद से लिए एक आर्ट करेक्टर बनाना शुरू कर देता है, सूट भी जो आयरन मैन को कर सके। इसके लिए वो एक सूट और आयरन मैन बनाने के लिए वो अच्छे अच्छे सामान लेना इकट्ठा कर दो, क्योंकि आयरन मैन यानी तो स्टॉक बहुत ज़्यादा फेमस था, अपने आयरन मैन गिरी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका था, क्योंकि वो आयरन मैन तो अब सरकार उससे उसका सूट चाहती थी क्योंकि फिर मिलिट्री में यूज करना चाहती थी, लेकिन टोनी स्टॉक से उसे देना नहीं चाहता था। कोई भी गाइस देखते हैं तो अब कि वहाँ पे अब टोनी को बॉयस लिंग जो उसके आगे एक्टर में एक लगता था पावर सोर्स पैलेडियम उसके पॉजिटिव होती थी जो उसकी जान ले रही थी, लेकिन उसके वो मतलब किसी को नहीं बताता है कि उसके पैलेडियम पॉजिटिव उसकी जान नहीं थी ना किसी को भी नहीं, लेकिन वो इसी कलाहट पेपर पॉट्स को बनाता है अपने स्टॉक इंडस्ट्रीज का सीईओ, क्योंकि उसे लगता था कि वो जल्द ही वासी बनने वाला है और को बना देता है स्टॉक इंडस्ट्रीज का सीईओ। और दूसरी तरफ अब वो अपने नए असिस्टेंट रख लेता है, अब तब उसके असिस्टेंट नहीं रहे इसलिए उसे असिस्टेंट की जरूरत थी। अब वही पे मतलब कि अब असिस्टेंट थी तो वही पे अब गाइस वहाँ पे अब हम देखते हैं कि टोनी स्टार्क रेस के होता है, लेकिन तभी वहाँ पे भी फ्लैश हमला और टोनी स्टार्क को मारना शुरू कर देता है, उस स्टार्क को लगभग मार ही दिया होता उस पर अटैक कर देता, लेकिन तभी देखिए टोनी स्टार्क को अपना सूट पहन के लड़ना शुरू कर देता है और उससे के उसे लड़ना शुरू कर लड़के उसे ज़्यादा पीट के उसे पुलिस के हवाले कर देता है। आकर उसे पुलिस के हवाले कर देता है तो वही वहाँ उसे देख देता तब वो उससे पुलिस के उससे मिलने जाता है, जहाँ पे वो उसके सूट की खराबियाँ या रिएक्टर के कुछ खराबियों के बारे में बताता है और उसे अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके समझा भी देता है ये सब कुछ ये जो उसका उसे वो अच्छी तरह से उसे समझा देता है। और ये टोनी स्टार्क की उस समय की सबसे बड़ी गलती थी। वो देखते हैं कि जो यहाँ जस्टिन हैमर होता है वो स्टार कंप्यूटर वो इवान वांको को जेल से छुड़वा के भगा देता है, कंपनी में ले आता है और उस आयरन मैन के बोलता है क्योंकि बहुत ज़्यादा जीनियस तक से देख के ऐसा था क्या कि वो भी बना सकता है आयरन मैन सूट, इसलिए वो उसे अपनी कंपनी में बुलाता है और उसे फिर रख लेता है और फिर कि तुम मेरे ये सब काम कर दो मैं तुम्हें ये और वो ये सब उसे बोल देता है। फिर हम लोग देखते हैं कि टोनी स्टार्क का बर्थडे होता है इसलिए बहुत ज़्यादा पी लेता है और ये वो करने लगता है और ये वो तब यहाँ पर रॉडी आ जाता है फिर सब कुछ को ख़त्म करने के लिए सरकार ने उसे बोला था कि सूट भी ले फिर वो टोनी के कि अब सूट वाले रूम में चले जाते हैं और वहाँ पर उन पर वहाँ टू पहन के आ जाता है और फिर उन दोनों की शुरू हो जाती है किसी फाइट एक दूसरे के मिल के वो लोग लड़ना शुरू कर देते हैं। बीच की फाइट थोड़ी छोटी सी है और फ्री फाइट में वो लोग ऐसे फसल फसल चला के चल जाते वहीं पर अपने टोनी को देखते फोन होता है और अब जो रोडी होता है वो सूट रहता है मिलिट्री बेस में और मिलिट्री बेस को वो सूट जाके देते टोनी स्टार्क डोनट्स की शॉप डोनट्स खड़ा था कि उसे वहाँ पर फिर मिलता है उसे बोलता है तुम्हारी मदद कर सकता है स्टेडियम पर और वो उसे उसका पिता का हुआ स्टॉक
उसको तक बताते हैं कि उसके असिस्टेंट असल में ऐसे एजेंट है, और फिर वो आता है और फिर मतलब तो फिर जब उसे अवार्ड का उसे सम्मान देता है, तुम उसे कर सकते हो इस पर ठीक कर सकते हो आप, तो फिर वो उसे अवार्ड स्टार की नानी उसके पिता का सारा हाँ सामान दे देता है, जैसे देख के उसमें उसे एक डिस्क मिलती है जिसमें उसके पिता ने कोई अपने बहुत बड़े आइडिया था, जिसे वो अपने बड़े होलोग्राम से कि पूरी तरह से समझ लेता है, उससे निकाल लेता है एक डायनासोर क्रिएटर का पूरा नॉलेज, जिसे वो उस नए आर्किटेक्टर को एक नए एलिमेंट को बना लेता है, एलिमेंट को अपने आर्किटेक्टर में फिट कर और उससे करते, लेकिन तभी हनुमान बहन को दोनों सबको धमकी देता कि आ जाओ लड़ने के लिए, हो जाए जंग फिर से जंग जंग हो जाए, स्टार्क चला जाता है हैमर डस्टिन हैमर के एक्स और उसके पास जाता है, लेकिन डस्टिन वहाँ पे अपने रोबोट्स की कर रहा होता है मार्केटिंग, को अपने रोबोट्स के बारे में बता रहा होता है सूट्स के बारे में होता है, और तभी गैस वहाँ टोनी स्टार्क आ जाता है, स्टार्क आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, लेकिन वहाँ पर हमें मशीन को भी दिखाया जाता है जिसे पूरी तरह से अपग्रेड किया गया था, वो और मशीन नहीं था पहले, फिर वो डोंट स्टार आके फिर हैमर से बात करता है, लेकिन तो फिर वो उसे बोलता है कि अपने सारे सूट्स तो उसे अब वो फ्लैश चलाने अब फ्लैश चला रहा है, लेकिन तब वो फ्लैश के कंट्रोल में सारे सूट आ जाते हैं और फिर वो फ्लैश तबाही मचाना शुरू कर देता है, और हर तरफ उसकी तबाही तबाही तबाही, और जस्टिन हैमर उसे बिल्कुल भी कंट्रोल में पाड़ा होता है, इसलिए दर्शा उस चले जाती जहाँ से फ्लैश से कंट्रोल कर रहा था, रोडी के सूट को बिल्कुल फ्री कर देती है, रोडी अपना सूट यूज कर सकता है खुद से फ्लैश के खिलाफ लड़ने का, और रोडन मिल के सारे रोबोट्स को ख़त्म करना शुरू कर देते हैं, और एक एक करके सारे रोबोट्स को ख़त्म कर देते हैं लेजर लाइट्स की, यहाँ पे आ जाता है फ्लैश ह्यूमन मैन को और अपने सूट, लेकिन उनके सूट में कोई भी असर पड़ रहा था और ना कुछ हो रहा था, वो दोनों एक प्लान देते हैं और वो दोनों एक साथ अपनी लेजर लाइट्स का यूज़ कर मैन को ब्लास्ट कर दी सेवन इद्दत हो है, और इसी के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है, लेकिन फिर निक फ्यूरी आके स्टार्क को बोल इंसेंटिव का और शुरू का इम्प्रूवमेंट मिल गया, लेकिन तुम्हें नहीं मिला है, अब तुम्हें हमारे जो बोला समझ नहीं आया, लेकिन वही लास्ट में सम्मान क्योंकि उन्होंने बचाया था पूरी सिटी को, इसका तो